जय हिंद दोस्तों, हिंडीमन होम्यो हॉल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सत्यम कश्यप BHMS, और आज मैं बात करने जा रहा हूँ इपिका को है ना होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, कि कब कब इसका यूज किया जाता है और किस पोटेंसी में कैसे आपको इस मेडिसिन को लेना है। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो इपिका को है ना होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसका जो सेंटर ऑफ एक्शन होता है वो हमारे पेट पर होता है। जो हमारे पेट में न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व होती है, ये हमारी जो है आमाशय को यानी कि हमारे स्टमक को सप्लाई करती है, तो उस पर इसका सेंटर ऑफ एक्शन होता है। वहां पर जब ये एक्ट करती है तो पेशेंट को बहुत ही ज्यादा नौजिया यानी कि जी मिचलाता रहता है पेशेंट का, और उल्टी की भावना यानी कि उल्टी बहुत ही ज्यादा रहती है पेशेंट को। तो जी मिचलाना और उल्टी रहना इपिका का बहुत ही मुख्य लक्षण है। साथ ही साथ जो हमारे सीना है और जो हमारा एब्डोमेन है यानी कि हमारा पेट है, इसमें जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, यानी कि वहां की मांसपेशियां जो होती हैं वो सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और बाद में रिलैक्स होती हैं, जिसे हम स्पाज्म बोलते हैं। तो इसकी वजह से पेशेंट को वहां पर उल्टी आती है, नौजिया रहती है और वॉमिटिंग बहुत ही ज्यादा मिलती है। साथ ही साथ इस मेडिसिन को तब भी लिया जाता है जब जो है किसी ने अनडाइजेस्टेबल फूड खा लिया हो, यानी कि ऐसी चीजें खा ली हो डाइट में जैसे कि ब्रेड खा ली हो, केक खा लिया हो, किशमिश खा लिया हो, उसके बाद जो है पेशेंट का डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, तब भी इस मेडिसिन को लिया जाता है। साथ ही साथ स्पाज्मोटिक अफेक्शन यानी कि हमारी बॉडी में जो मांसपेशियां हैं वो खुद से ना चाहते हुए भी उनमें कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, तब भी इस मेडिसिन को वहां पर लिया जा सकता है, जिसको हम स्पाज्म वाली कंडीशन भी बोलते हैं। साथ ही साथ हेमरेज यानी कि हमारी बॉडी में किसी भी तरीके की ब्लीडिंग हो रही है, और ब्लीडिंग यानी कि खून जो आ रहा है वो ब्राइट रेड यानी कि एकदम लाल रंग का आ रहा है खून जो है, तो तब भी जो है इपिका को ना होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज किया जाता है। बढ़े इसके पेट के लक्षणों की ओर, तो वहां पे अगर आप पेशेंट की टंग देखेंगे यानी कि जीभ देखेंगे तो वो एकदम साफ मिलेगी यानी कि क्लीन टंग मिलेगी। साथ साथ नौजिया वोमिटिंग यानी कि पेशेंट का जी मिचलाता रहेगा, उसको उल्टी आएगी और उल्टी में देखने को मिलेगा बाइल यानी कि जो हमारा पित्त होता है वो देखने को मिलेगा, उसमें म्यूकस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ म्यूकस के साथ साथ उसमें कभी कभी ब्लड भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ पेशेंट को हिककफ यानी कि हिचकी भी बहुत ही ज्यादा आती रहती है, तब जो है इस मेडिसिन का यूज आप कर सकते हैं। साथ ही साथ पेशेंट की पॉटी अगर देखें तो उसमें आपको पतली पॉटी होगी, दस्त होंगे, जिसको हम अमीबिक डाइसेंट्री भी बोलते हैं। इसमें पेशेंट के जो पॉटी है उसमें खून भी आएगा, ब्लड भी आएगा और बहुत ही ज्यादा मरोड़ भी वहां पर जो है पेशेंट को बनी रहेगी, तब जो है आप इपिका को ना होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो इसके प्रमुख लक्षण मैंने आपको बताए, एक बार सिम्टम्स को समअप करें तो ये हमारा सेंटर ऑफ एक्शन होता है इसका न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पर, नौजिया वोमिटिंग पेशेंट को काफी ज्यादा वहां पर बनी रहती है। चेस्ट पर इसका सेंटर ऑफ एक्शन होता है, हमारे एब्डोमेन पर होता है, एब्डोमेन में इनडाइजेस्टिबल थिंग अगर किसी ने खा ली है, डाइजेशन किसी का वहां पर इस वजह से बिगड़ गया है, तब जो है इसका यूज वहां पर किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी पोटेंसी के बारे में, अगर ज्यादा से ज्यादा लक्षण मैच हो रहे हैं तभी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। 200 पोटेंसी में इसका यूज किया जाता है तो वहां पर बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, धन्यवाद।